तो आज मेरी गैस ख़त्म हो गई है और फिर अब ये मैं कागज़ जला जला कर चाय बना रही हूँ। तो चलो देखते हैं कि क्या मैं चाय बना पाती हूँ, क्या ये ऐसा मुमकिन है, क्या आज मुझे चाय मिल पाएगी या मैं मुझे बिना चाय पिए ही रहना पड़ेगा। बात ये है ना कि मुझे खाना मिले ना मिले, मुझे चाय बहुत ज़रूरी है। मैं खाने के तो बिना रह सकती हूँ, बट चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ। तो इसलिए देखो यार गाइस, मैं फाइनली इतनी कागज़ जला जला के इतनी मेहनत कर रही हूँ। देखते हैं क्या आप लोग भी बने रहो और बताओ क्या मेरी चाय बन जाएगी ऐसे। सब लोग कमेंट में करके जल्दी जल्दी बताओ क्या मेरी चाय बन जाएगी ऐसे कागज़ जला जला के। माय गॉड यार, लगता तो नहीं है कि मेरी चाय बन पाएगी। इसको ढक देते हैं और फिर से जलाते हैं माचिस। बहुत मुश्किल है यार चाय बनाना। कैसे चाय बनेगी यार, काफी मुश्किल लग रहा है यार। मैं कैसे चाय बनाऊँ, या अल्लाह मेरी चाय बना दे। और क्या आग जल रही है, इसको ढक के पकाते हैं, शायद जल्दी पक जाए। Oh my God, oh my God, ouch, sorry। चाय बनाना बहुत ज़्यादा खतरे से खाली है, वो भी गर्मी का टाइम है, लगता नहीं है कि चाय बन पाएगी। हाथ भी थोड़ा जल गया हूँ, माय गॉड। तो देखते हैं क्या कुछ थोड़ा सा चाय पीने लायक बनी है। बिल्कुल ठीक ही है यार, अब धुआं धुआं जैसा आ रहा है अभी तो। चलो फाइनली चाय फेल हो गई, चाय नहीं बनेगी की। और फाइनली फिर भी चाय मुझे नहीं मिल पाई, मुझे रोना आ रहा है। एक्चुअली मुझे सुबह ना चाय पीने की बहुत आदत है। मैं बताती हूँ हुआ क्या, हमने इतनी मेहनत की फिर भी चाय नहीं बन पाई और देखो कितना पसीना पसीना हो गया। मैं आपको बताती हूँ, आज के टाइम में इतने ख़राब हो गए ना, इतने ख़राब है, मतलब मेरी गैस में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। देखो रूम में काफ़ी धुआं धुआं हो गया, तो मैं अपनी माय गॉड बहुत ज़्यादा हो गई। मैं अपने ओनर के पास गई थी, मुझे मतलब पहले तो मैं अपना दूध गर्म करने ले गई कि मेरा दूध गर्म कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मतलब फिर मैं नहाने चली गई, ठीक है। तो मैं देखी नहीं, तो उन्होंने मतलब मेरे दूध को क्या किया ना, मतलब दूध गर्म नहीं किया, मतलब दूध गर्म किया बस हल्का सा उन्होंने गर्म किया, उसके बाद मुझे दे दिया कि हाँ तुम्हारा दूध हो गया। फिर मैं लाई, फिर एक घंटे बाद देखे दूध फट गया, फिर उन्होंने खुलाया नहीं था।
फिर मैं अभी 2 घंटे के बाद गई और फिर मैंने बोला कि वो मेरी मुझे चाय बनानी है, और क्योंकि चोरी से मतलब हीटर का वो जलाती है ना कटिया लगा के, तो बोली कि मैंने मीटर से जल रहा है, तो मैं मीटर से जल रहा है तो क्या इंसान एक कप चाय नहीं बना सकता? तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैं गुस्से में चली आई, ठीक है। और हर बार मैं ये बोलूँ मतलब कि 1000 बार मेरे पास आती हैं, जब भी मेरा रिचार्ज कर दो मेरी बेटी को, मैं हमेशा उनका रिचार्ज कर देती हूँ, ठीक है, और पैसे हमेशा 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद बोल देती हूँ, ठीक है चलो। और जब भी मेरे से कुछ भी होता है ऐसा लगता है ना कि ओनर मैं हूँ और वो मेरे यहाँ रूम लेके रह रही है, कुछ भी होता है मिर्च मसाला हर कुछ मेरे यहाँ ही मांगने आते हैं, और पैसे कुछ भी 10-10, 5-20-25 भी उनके पास होता नहीं, मेरे पापा भी हमेशा बोलते रहने दो तुम्हारे पास रहता है तो दे दिया करो, तुम्हें क्या बाद में मिल ही जाता है, भले थोड़ा लेट में ही मिलता है, तो चीज़ें हैं। तो फिर फाइनली और फिर ऐसा भी फिर मुझे इसी गुस्से में फिर मैं अपना गैस दे लेके बनवाई, और मैंने अपना चूल्हा बनवाया तो पता चला कि यार धोखा ऐसे ही होता है, तो पता चला चूल्हे में प्रॉब्लम नहीं है, गैस में प्रॉब्लम है, और अब गैस मैं शाम में लेके जाऊंगी। और खाना तो देखो मैंने राजवाड़ा का ऑर्डर किया था, तो ऐसा नहीं कि मैं भूखी हूँ, मुझे बहुत तेज लगी थी भूख, तो ये रहा मैंने खाना राजवाड़ा का ऑर्डर, अब देख पनीर और रोटी ऑर्डर किया था, तो खाना तो फाइनली मैंने खा लिया है, खाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ना सुबह मतलब आप खाना दो ना दो मतलब मुझे चाय की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब मैं चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ, ठीक है। और मुझे खाना मिला मिले ना मिले एक टाइम चल जाएगा, बट मुझे चाय तो मतलब जिसको कहते ना चाहिए चाहिए, और इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी, क्योंकि फिर खाने के बाद ना और भी मन कर रहा था कि मैं पता नहीं मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ थोड़ा सा है बात नहीं ऐसा कौन करते यार, चाय नहीं मिलती है तो किस कौन रोता है, मैं रोती हूँ, मुझे रोना आ रहा है चलो कोई नहीं। तो मैंने इतनी मेहनत करी थी, मैं थोड़ा सा जल भी गई, बट फाइनली चाय नहीं बन पाई, मैंने काफ़ी कोशिश किया चाय चाहिए।